तो ये मेरा नया फ़ोन आ चुका है और मैंने अपने पुराने वन प्लस 9R को कर लिया एक्सचेंज। अभी ये कौन सा फ़ोन है, क्यों मैंने एक्सचेंज करा और इसका रिव्यू क्या है, कैसा फीचर्स है, ये मैं आपको आगे वीडियो बनाता हूँ। चलो इसको अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं फ़ोन कैसा आया है। तो इसकी अनबॉक्सिंग हम स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा न्यू फ़ोन OnePlus 10T। सो मेरा पुराना फ़ोन था OnePlus 9R, जिसको मैंने अपग्रेड करके अभी लेटेस्ट OnePlus 10T सीरीज़ आया है। सो जो कि मैंने एक्सचेंज किया उस फ़ोन को। तो चलिए इसके अंदर देखते हैं कि बॉक्स में क्या क्या मिलता है हमको। तो पहले इसको हम पूरी तरीके से ओपन कर लेते हैं। तो अभी हमने बॉक्स को ओपन किया है और पहला ये हमको मिला है। तो इसके अंदर देखते हैं क्या है। ओह नाइस। तो इसके अंदर हमें एक बैक कवर भी मिला है जो कि काफ़ी अच्छा है। ये OnePlus रेड केबल का क्लब कार्ड है जो कि आप अगर मेंबरशिप लेते हो तो। और इसके साथ साथ आपको OnePlus के डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ वारंटी गारंटी और मैनुअल्स के रिगार्डिंग। और ये है सिम इजेक्टर टूल। तो ये हमारा हो गया, इसमें दो आइटम हो गए हमारे, बैक कवर और सिम इजेक्टर टूल। और इसके बाद हम निकालते हैं, तो इसके नीचे रहता है ये फ़ोन। तो ये है OnePlus 10T, देखिए कितना खूबसूरत है इसका बैक। और ये इसका फ्रंट। तो फ़ोन के बारे में अभी आगे बात करेंगे, तब तक और देखते हैं इसमें क्या क्या है। इसके साथ मिलेगा आपको वन प्लस का स्टैंडर्ड चार्जर केबल। और ये देखो इसका चार्जर, ये चार्जर ही चार्जरों का बाप है। इसमें 150 वाट का वूक चार्जिंग है इस फोन के अंदर। तो इस कारण इसका चार्जर देख सकते हो। और इसका पीछे भी देखो आप, USB नहीं है, फ्रंट एंड बैक बोथ टाइप सी है। तो ये नया है इस फोन में और ये काफ़ी हैवी है। चलो ये इसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं आपको बॉक्स के अंदर मिलेगी। तो आपको बॉक्स के अंदर मिलेगा आपको एडाप्टर, केबल, फ़ोन, सिम इजेक्टर टूल और एक बैक कवर। और आई थिंक ये फ़ोन पे एक प्रोटेक्टिव स्क्रीन गार्ड ऑलरेडी चिपका हुआ होता है। बट आई वुड सजेस्ट कि आप कभी भी नया फ़ोन लो, जैसे मैंने नया फ़ोन लिया तो मैं ऑब्वियसली इसके ऊपर स्क्रीन गार्ड जरूर लगा लूँगा, क्योंकि नए फ़ोन पे थोड़ा ज़्यादा केयर रहता है। तो ये हो गए बॉक्सेस के अंदर। अभी फोन को ऑन करते हैं। तो अभी मैंने फोन को स्विच ऑन किया। तो जब तक ये फोन स्विच ऑन हो रहा है, मैं तब तक आपको बताता हूँ इस फोन के कुछ फीचर्स के बारे में। तो ये फोन आपको आता है दो वेरिएंट में, 8 GB और 128 GB, 8 GB रैम और 128 GB स्टोरेज। प्लस सेकेंड ऑप्शन है आपके पास 12 GB रैम और 256 GB स्टोरेज। सो मेरा फ़ोन 12 GB रैम और 256 GB स्टोरेज के साथ है, क्योंकि मैं वीडियो जैसे शूट करता हूँ। सो आई नीड हाई स्टोरेज इन माई फ़ोन, दैट्स वाई। इसके साथ साथ इसका स्क्रीन है, आपको 6.7 इंच का स्क्रीन आता है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास स्क्रीन 5 कैटेगरी का स्क्रीन है इसका। इसके साथ साथ इसका बैक कैमरा जो है वो आपको मिलेगा 50 MP का, जिसमें आपको सोनी का कैमरा मिलता है। इसके साथ इसका प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 8+1, जो कि अभी मार्केट में सबसे लेटेस्ट है। iOS की बात करूँ तो iOS आपको iOS 12.1, जो अभी लेटेस्ट चल रहा है, वो मिलेगा आपको। इसके साथ साथ जैसा मैंने आपको बताया, इसकी चार्जिंग 150 वॉट वूक चार्जिंग, मतलब काफ़ी फास्ट चार्जिंग के साथ मिलता है ये आपको फ़ोन। और अभी ये स्टार्ट हो गया, तो इसको मैं अभी आराम से इसको स्टार्ट करूँगा। और इसके साथ साथ इसके कलर वेरिएंट की बात करूँ तो ये दो वेरिएंट में आता है। एक है आपको मूनस्टोन ब्लैक और दूसरा है आपको जेट ग्रीन। सो मेरा है जेट ग्रीन, ब्लैक थोड़ा ज़्यादा कॉमन हो जाता है तो मैंने ये कलर प्रेफर किया। लास्ट टाइम मेरा कलर थोड़ा ब्लू टाइप का था, इस बार हल्का सा जेट ग्रीन कोई कलर हो गया।
इसका डिस्प्ले 120 हर्ट्ज का है, सो काफ़ी अच्छा है। ऑक्टा कोर 1.9 इसका प्रोसेसर है, सो काफ़ी फास्ट होना चाहिए ये फ़ोन। अभी जस्ट मैंने इसको ऑन किया, ये टर्म्स एंड एग्रीमेंट पे है, सो इसको अग्री करते हैं। अभी मैंने सिम कार्ड नहीं लगाया, तो पहले मुझे सिम कार्ड लगा लेना चाहिए। और तो फ़ोन की फीचर्स के बारे में लगभग ये मैंने आपको सारा कुछ बता दिया। ये आपको प्राइसिंग की बात करूँ तो 49,999 और 54,999 का यह वेरियंट है। सो जो मेरा है वो 55,000 के करीब का है, 54,599 या 55,000 के आसपास का है फ़ोन। मैंने क्योंकि फ़ोन एक्सचेंज किया, मुझे गुड वैल्यू मिला, तो मैंने एक्सचेंज किया। और मैंने एक्सचेंज ना ही फ्लिपकार्ट ना अमेजन कहीं से नहीं किया, मैंने डायरेक्ट वन प्लस के साइट से किया। सो क्योंकि वहाँ पे आपको आपके फ़ोन का वैल्यू ज़्यादा अच्छा मिल रहा था मुझे अमेजन वगैरह से। अगर आपको कभी करना हो आप वन प्लस के साइट पे जाके ट्राई करो, वहाँ से आई थिंक ज़्यादा वैल्यू मिलेगा। प्लस कुछ ऑफर्स रहते हैं उनके जो कि स्पेशल आपको मिलते हैं फ़ोन एक्सचेंज करने पे। तो काफ़ी अच्छा वैल्यू लगा मेरे फ़ोन का, जो कि मुझे सही लगा। और उसके बाद मैंने ये फ़ोन को एक्सचेंज करके नया फ़ोन ले लिया। तो अभी इसको ओपन करते हैं, इसको सेटअप करेंगे फ़ोन, फिर बाकी सेटअप करने के बाद इसका देखते हैं आगे कैमरा वगैरह क्या है। तो मिलते हैं आपसे तब। सो अभी मैंने अपना फ़ोन कर लिया सेट, और ये पार्ट जो वीडियो का है वो मैं अपने नए फ़ोन से बना रहा हूँ। तो मुझे अपने आप को इसमें देख के काफ़ी अलग महसूस हो रहा है। पिछले फ़ोन मेरा भाई का था, तो और ये फ़ोन अभी जो नया फ़ोन है उसे शूट कर रहा हूँ। तो इसमें ऑटोमेटिक बैकग्राउंड ब्लर का एक ऑप्शन है, वो है अगर आप फ़ोटोज लेते हो सेल्फी, अगर आप पाम दिखाते हो तो भी आपको फ़ोटो ले सकते हैं। काफ़ी कुछ नए नए फीचर्स हैं जो कि मैं अभी खुद एक्सप्लोर नहीं किया, और बस मैंने फ़ोन सेटअप किया है सब कुछ लगा कर, जीमेल वगैरह कॉन्फ़िगर करके, और अभी मैं वीडियो को कंप्लीट कर रहा हूँ। तो ये देखने में तो बहुत मज़ा आ रहा है। बेसिकली कोई भी नया फ़ोन में फ़ोटो वीडियो काफ़ी सुंदर आते हैं। अभी मैंने कुछ फ़ोटोज़ लिए जो मैं इस वीडियो के एंड में लगा दूँगा, जो मैं फ़ोन से लिया है। और बाकी मैंने आपको फ़ीचर्स सारे बता ही चुका हूँ, प्राइस बता चुका हूँ। इसका रिव्यू, मैंने ये फ़ोन क्यों लिया, वो फ़ोन क्यों चेंज किया, इसका कोई ऐसा रीज़न नहीं था कि वो फ़ोन ख़राब हो गया था या ये फ़ोन बहुत अच्छा है, ऐसा कुछ भी। मुझे वन प्लस का फ़ोन अच्छा लगता है, आई लाइक टू अपग्रेड इन वन प्लस सीरीज़। तो अभी लास्ट मेरे पास सेवन था, सॉरी 9R था, और अभी नेक्स्ट ये आया है, और मुझे बहुत ही अच्छा वैल्यू मिल गया मुझे फ़ोन का। तो आई डिडंट हैव टू पे मोर लाइक वेरी मच, तो उसके कारण मैंने चेंज किया। और ऑब्वियसली थोड़ा नया फ़ोन था तो मन था लेने का। उस फ़ोन को मैंने हो गया करीब 1.5 साल, 1.5 साल आई थिंक यूज़ किया होगा। तो यही था बस, अभी तो ये फ़ोन यूज़ करने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसमें मुझे स्क्रीन गार्ड लगवाना होगा, इन्होंने तो लिखा है कि स्क्रीन गार्ड लगा हुआ है, बट मैं स्क्रीन गार्ड लगा लूँगा। बैक केस कवर तो चलो मिल गया, अच्छा है, ये गुड क्वालिटी का बैक कवर दिया है सिलिकॉन का टाइप का, तो ये चीज़ बढ़िया है। तो अभी बस इस वीडियो को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, और अगर आपको कुछ और सवाल हो आपका खुद का, जो इस फोन से रिलेटेड हो, हमारे चैनल से रिलेटेड हो, हमारे कंटेंट से रिलेटेड कुछ भी आपका फीडबैक हो, कुछ भी किसी प्रकार का, तो आप ज़रूर शेयर करें। और आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग सभी स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें, और हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।